प्रीमियर रखा है लोगों को दिखाने के लिए, इंडस्ट्री के लोग देख के अपना रिव्यू देंगे, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट मूवी में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उसको पूरा करेंगे। इसलिए वैसे 18 तारीख को बिहार, झारखंड, गुजरात और मुंबई रिलीज़ हो रही मूवी, और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी रिलीज़ हो जाएगी। बोल रहे हैं सर, किस तरह की फिल्म होगी? छलिया एक्शन थ्रिलर प्लस फैमिली ड्रामा मूवी है उस तरह से। अब देखते हैं पब्लिक का क्या रहता है, और लास्ट तक पता नहीं चल पाता कि छलिया कौन है, लास्ट में ही पता चलता है। तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा? नया इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही नया है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है, यूथ है, उसको किस तरह से आतंकवाद या नक्सलवाद पर बेस्ड है ये मूवी, तो उस पर क्या होता है कि नक्सलवाद में किस तरह से नए जनरेशन को ढकेल दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ का लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके, या उनकी फैमिली को परेशान करके, किस तरह से प्रताड़नाएं दे करके कुछ गलत लोग जो अपने हिंदुस्तान में अच्छा नहीं चाहते हैं उस तरह से, और सिस्टम में कितने लोग उसमें मिले रहते हैं, उसी तरह का एक मैटर है। कल्लू है, कल्लू हीरो है फिल्म के, यामिनी सिंह है, एक हर्ष ठाकुर है, अभी लॉन्च हो रहे हैं इसमें ही, और उनके साथ एक निशा झा है, बाकी मनोज टाइगर जी हैं, देव जी हैं, बाकी सारे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अवधेश भैया का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, 15 साल पुरानी मित्रता है हमारी इनकी, और हम साथ में काम करते रहते हैं। छलिया में चूंकि मुझे ऐसा कोई विलन चाहिए था जिसको पता ना हो, विलन ना रहे, इसलिए भैया नहीं रह पाए। नेक्स्ट मूवी और मेरे साथ इनकी कई फिल्में आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी, भैया का आशीर्वाद मिलता रहता है। चलिए के लिए बहुत दिल से इनको दुआ देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे सुलझे हुए मेकर हैं, इन्होंने इनके साथ मैंने पहले भी फिल्में की हैं, अपन माटिया अपन देश, हाँ, रब्बा इश्क ना, रब्बा इश्क ना, अरे तू बदमाशी मत कर, तू रह प्यार से रह। ये मैं आया यहाँ पे, मेरे बगल में आ गई, और जैसे मैं उठने लगता था ये मुझे काटने लगती थी कि उठो नहीं, और इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बोला गिरना नहीं, गिरना नहीं, तो मेरा पशु प्रेम तो है ही, तू जाएगी जाएगी, तो जा, इसको रख देता हूँ। तो मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इसमें केवल ब्लेसिंग के लिए आया हूँ, हमारे बहुत प्रिय हैं प्रमोद जी, इनके साथ जुबान से दूंगा, दिल से दूंगा। मेरा अंदाज यही है कि बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, अच्छी फिल्म आप बनाते हैं, बनाते रहे हैं और बनाएंगे। छलिया भी बहुत अच्छी फिल्म होगी, जितना मैंने सुना है इस फिल्म के निर्माण से लेकर के अभी तक की जो प्रक्रिया, बहुत अच्छी फिल्म, सुलझी हुई फिल्म, और ये सुलझे हुए लोग सुलझे हुई फिल्म ही बनाते हैं, एक यंग जनरेशन जितने आए हैं इस इंडस्ट्री में, तो सिनेमा प्रेमी के लिए भी एक उम्मीदें बढ़ी हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए भी बढ़ी है, उन उम्मीदों में ये चार चांद लगाने के लिए आए हैं और लगाते रहे हुई, यही दिल से दुआ दूंगा। अन्य कलाकार जो भी है इसमें सब मेरे प्रिय हैं, कल्लू बहुत ही एक बचपन से उसको देख रहा हूँ, बहुत सुलझे हुए अभिनेता हैं, उनके साथ मेरी लगातार कई फिल्में हैं, बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में। देव सिंह जो है मेरे बहुत, क्या बोलते हैं उनको, प्रिय कह सकते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपने उनको उत्तराधिकारी बना दिया? उत्तराधिकारी नहीं बनाया, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, मैं किसी के लिए कोई कुछ कर नहीं पाता है इस मामले में। तो मैं भैया को रोकना चाहूँगा और कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा देखते ही तुरंत उसको तराश करके जितनी हाइट पर जा सकती होगी उतना हाइट तक ले जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देव सिंह है, और अभी भैया की नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के लिए कुछ करें और बढ़िया करें, उस पर इनकी नज़र रहती है, जैसे ही प्रतिभा देखते हैं तुरंत टच कर देते हैं, तुरंत उसको चाहते हैं कि जितनी हाइट पर जा सके जाए, ये बहुत अच्छा है। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं, और जिसमें गुण है वो तो ऊपर वाला माध्यम किसी न किसी को बनाता है, और ये मेरी किस्मत है कि मैं माध्यम बन पाता हूँ कुछ लोगों का, या बन जाऊँ तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं देव में एज एन एक्टर वो चीज़ें ढूंढ लेता हूँ जो मैंने शायद छोड़ रखी है, मेरे में कुछ कमियाँ होंगी जिसको सुधार करके वो प्रेजेंट करता है, या जो चीज़ मैं कर नहीं पाया हूँ इतने दिन विलन रहने के बाद, तो वो देव कर पाते हैं, और इस बात का मुझे बड़ा प्राउड होता है, और वो तमाम लोग जो वो अपने काम को बखूबी जाने हैं वो सब मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरी शत्रुता किसी से व्यक्तिगत नहीं होती है, काम को लेकर के ही थोड़ा मनमुटाव हो सकता है कि अच्छा या बुरा, मैं संपूर्ण हूँ परिपूर्ण हूँ ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, और लोगों का साथ जब तक नहीं मिले सब लोग का उतना ही इसमें सपोर्ट होता है, तो ना हम बेहतर बन सकते हैं ना हम सिनेमा बेहतर बना सकते हैं। मैं खुद बहुत चालाक हूँ, मैं इर्द गिर्द चाहता हूँ कि सब मजबूत लोग रहें, डायरेक्टर से लेकर के एक्टर तक, ताकि उन मजबूतों में मैं भी मजबूत हो जाऊँ,
तो मैं इस चालाकी के साथ मैं बहुत बेहतर हूँ ये नहीं कह सकता हूँ, चालाक थोड़ा हूँ। अच्छे लोग आ जाएं इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का भला हो तो मेरा भी भला होगा, नहीं तो हम ही ऐसे ही रह जाएंगे। भगवा धारण करने का क्या? अच्छा, आजकल मैं सन्यासी हो गया हूँ। 18 तारीख का ब्लेसिंग ले लेना भैया से। आजकल थोड़ा सन्यासी हो गया हूँ, आध्यात्म में जा रहा हूँ, अच्छे रोल भी करना शुरू कर दिया हूँ। मेहंदी लगा के रखने के बाद से लेके अभी तक बुरे रोल से अभी पाला पड़ा नहीं है, फिर अच्छा है मन में कुछ। ये कलर बहुत प्रभावित करता है मुझे, पीला रंग मुझे बहुत प्रभावित करता है तो इसलिए पहनता हूँ। भाजपा लहर का वासरण तो नहीं? नहीं नहीं, कोई पार्टी वार्टी नो। अदर्श जी तो सारा है बुराई पे, अच्छाई पे, रावण के सामने सब दिलाता है। आप निगेटिव रोल किए हैं, अभी पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, कितना कुछ सहना पड़ता है? बहुत सहना क्या पड़ता है, वो तो पुरस्कृत करते हैं हमें। वो क्षणिक बुरा लगता है, जैसे जब अगर कुछ गाली दे एक विलन को और चप्पल जूता मारे, मैं सब खा चुका हूँ, गालियों का भी बौछार था मेरे पे, जूते चप्पल का भी बौछार पड़ा, तो वो ठीक है, वो अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है उस वक्त। तो इस व्यक्ति विशेष को बुरा लगता है लेकिन उसके अंदर के कलाकार को अच्छा लगता है। पर दशहरा के अवसर पर मैं यही ऊपर वाले से मनाऊँगा कि हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों बसते हैं, तो मेरे अंदर जो रावण है उसको मार देना और राम है वो रखना, यानी कि जो मेरी बुराई है मेरे अंदर। हम बुरे हैं तभी इंसान हैं, अगर अच्छे होते संपूर्णतया तो फिर हम इंसान नहीं होते। तो मेरे अंदर जो कुछ बुराई है उसको ख़त्म कर देना ऊपर वाले, माता रानी से ही मनाता हूँ, और बस हम अपने अंदर के रावण को जला दें, ये दुआ सबसे मांगता हूँ, तो जीत हो जाएगी हमारे लिए, दशहरा यही हो जाएगा। हम बुराइयों को पालते चलेंगे तो कहाँ से हम हैप्पी हो पाएंगे, हम खुश होना चाहते हैं। फिल्म छलिया 18 तारीख को रिलीज हो रही है, क्या लेकिन दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन के डायरेक्टर्स आए हैं, एक्टर्स आए हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको आप बढ़ावा दें, और बढ़ावा आपका एक ही माध्यम है कि सिनेमा देखेंगे, सिनेमा को सराहेंगे, उसकी मेहनत को समझेंगे, तो सिनेमा का बढ़ावा होगा और इंडस्ट्री एक अच्छी बनेगी, सबका उसमें उद्धार होगा। हम कलाकारों से लेकर के दर्शक भी एक रीजनल लैंग्वेज में अपनी भाषा के फिल्मों में एक अच्छा मनोरंजन पाएंगे, तो बस बढ़ावा दें और इस फिल्म को लाख लाख दुआ देता हूं कि फिल्म सक्सेस हो। और 18 तारीख को सिनेमा हॉल में जाएं, ज़रूर जाएं और छलिया देखें। उम्मीद है कि ये फिल्म आपको छलने वाला नहीं है, दिल को बहुत लुभाएगा ये फिल्म, छलेगा नहीं।